दोस्तों आज मैं आपके लिए दो डिफरेंट तरह के सैंडविच की रेसिपी लाई हूँ। एक मैगी सैंडविच है और एक फ्रेंच टोस्ट है। मैगी सैंडविच जो है वो विथ एग बनाया गया है और फ्रेंच टोस्ट है वो विदाउट एग बनाया है। अब हम सबसे पहले मैगी सैंडविच बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बाउल में जो है एक कप पानी लिया है और मैगी ली है मैंने एक स्लाइस, तो उसका सिर्फ एक ही स्लाइस मैगी लिया है। और अब हम इसमें इसको उबाल देंगे। तो हम इसमें मसाला वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हैं और पानी हमने एक ही कप लिया है ताकि जब मैगी पक के आएगी तो आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल पानी बचा नहीं रहेगा। तो आप इसमें उसको बीच बीच में चलाते रहें और 2 से 3 मिनट होते ही जो हमारी मैगी है एकदम सॉफ्ट और अच्छे से पक जाएगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि मैगी हमारी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है और पानी भी बिल्कुल बचा नहीं है, इसलिए ड्रेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इस मैगी को एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसे निकालने के बाद हम पैन में अपनी पसंद का जो भी ऑयल है वो 1 चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून ले रहे हैं और इसमें हमें वेजीज जो है हल्की सी फ्राई करनी है। तो मैंने थोड़ी सी बिल्कुल थिन स्लाइस की हुई बीन्स ली है और बिल्कुल छोटे छोटे काट के मैंने गाजर ले लिए हैं और इसके साथ ही इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 मिर्ची। मिर्ची डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे ढक के हम कम से कम 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारी जो वेजीज है वो हल्की सी पक जाए और सॉटे हो जाए। तो जैसे ये तैयार हो जाता है अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। जैसे ये सॉटे हो जाता है हम इसे जो मैगी जिस बाउल में ले रखी है उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब इसमें इसमें डालने के बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे एग। तो मैंने 2 एग लिए हैं और उनको एग को इसको मैं डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करें और इस तरह से मिक्स करें कि जो है मैगी वो एग के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाए। और जैसे ये मिक्सचर पूरा तैयार हो जाए तो इसका हम ऑमलेट बनाएंगे। तो उसके लिए हमने पैन में बटर ले लिया है। बटर डालने के बाद अब हम इसमें हम मैगी ऑमलेट बना देंगे। तो हमारा जो मिक्सचर है जितना हमें चाहिए उतना हम डाल के इसे ऑमलेट की तरह तैयार कर देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैगी का मसाला डालेंगे। तो मैगी मसाला हम इस पर छिड़क देते हैं और एक तरफ से जैसे ही फ्राई हो जाए तो हम इसे पलट देंगे और पलटने के बाद दूसरी साइड भी हम हल्का सा मैगी मसाला डाल देंगे। जैसे ही हमारा ऑमलेट तैयार हो जाए हम इस ऑमलेट को निकाल लेंगे। अब हम ब्रेड लेंगे और ब्रेड पे जो है ब्रेड स्प्रेड लगाएंगे। तो आप जो अपनी पसंद का ब्रेड स्प्रेड है वो लगा सकती हैं या फिर आप चाहो तो मायोनीज भी लगा सकते हैं। दोनों ही स्लाइस के मैंने एक साइड में मायोनीज को या जो ब्रेड स्प्रेड है उसे लगा दिया है। अब हमने इसी शेप में जो है हमारा ऑमलेट काट दिया और उस पर बिछा दिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो सैंडविच के फ्राई करने के लिए मैंने पैन में बटर ले लिया है और उसके ऊपर हमारा सैंडविच रख दिया। अब उसके सैंडविच के ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर लगा देते हैं और उसको फ्लिप कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इसे दोनों तरफ से अच्छे से पका लिया है। तो अभी हमारा सैंडविच बिल्कुल तैयार है। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखें। इसके साथ ही अब हम तैयार करेंगे फ्रेंच टोस्ट के लिए। तो फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 2 से 3 जो है टीस्पून बेसन लिया है और उसमें हमने 1/2 टीस्पून शुगर डाली है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं और उसको ग्रेजुअली अच्छा सा फाइन पेस्ट बना देते हैं। तो हमें जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल पतला भी ना हो, तो जैसे हमारा इडली का बैटर होता है उससे थोड़ा सा और थिन चाहिए। और हम अगर चाहें तो बेसन की जगह इसमें एग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा बैटर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा थिन है और ना थिक, तो बिल्कुल तैयार है। अब हमें टोस्ट बनाना है तो मैंने पैन में जो है बटर ले लिया है। अब हम ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उसे हमारे जो पेस्ट बना रखा है उसमें डिप करेंगे और फिर हम इसमें फ्राइंग पैन में डाल देंगे और इसी तरह से हम दोनों ही तरफ से इसे अच्छे से फ्राई कर देंगे और हमारा टोस्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चों को आफ्टर स्कूल स्नैक्स के लिए परफेक्ट है। दोनों ही रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।